गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं। तो देखें, हम आपको उस दिन जैसे को तैसा नामक चैप्टर पढ़ाए थे, उसके आगे देखें। उधर हरिदास 2000 रुपए लेकर चला जा रहा था। रास्ते में एक सुनसान रास्ता पड़ा। रास्ते में एक कुत्ता उसके पीछे लग गया तो हरिदास उसको पकड़कर रस्सी से बांध लिया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। उधर से ही एक अफसर घोड़े से गुजर रहा था। उसने देखा कि हरिदास कुत्ते पर सवार होकर जा रहा है। इस पर अफसर ने हरदास से पूछा, भाई यह बताओ, तुम्हारा कुत्ता अच्छा है कि मेरा घोड़ा? आपका घोड़ा मेरे कुत्ते के मुकाबले कहीं से भी अच्छा नहीं है। दिन भर घास दाना देना पड़ता होगा, पानी पिलाना पड़ता होगा, फिर मालिश करनी पड़ती होगी। एक दिन एक आदमी को उसकी देखभाल में लगे रहना होता होगा, पर मेरा कुत्ता ऐसा कहीं नहीं है। जहाँ छोड़ दो वहीं अपना भोजन तलाश लेता है, खा पीकर घर वापस आ जाता है। इसने आज तक मुझे तंग नहीं किया, इस लिहाज में तो मेरा कुत्ता ही अच्छा है। हरदास की तर्कसंगत बात सुनकर अफसर बोला, हरदास क्या तुम हमारे घोड़े के बदले में इस कुत्ते को दे सकते हो? हरदास ने नानुकुट की तो अफसर जिद करने लगा। अंत में हरदास ने कुत्ता अफसर को दे दिया और उसका घोड़ा ले लिया। पेज नंबर 40 देखें। अफसर ने पूछा, इस कुत्ते पर सवारी करते समय इसको काबू कैसे रखा जाता है? हरदास ने बताया, लचीली छड़ी के 2-3 चाबुक इसके पीठ पर जमा देना, तुरंत ही काबू में आ जाएगा। हरदास शान से घोड़े पर बैठकर चला गया। उधर अफसर ने कुत्ते को पर बैठकर उसको आगे बढ़ाना चाहा तो कुत्ता टस से मस न हुआ। अफसर ने छड़ी से कुत्ते की पिटाई कर दी। कुत्ता क्रोधित हो गया और गुर्रा कर अफसर पर लपका और उन्हें काटकर भाग खड़ा हुआ। अफसर के काटो तो खून नहीं, क्योंकि घोड़ा भी हाथ से गया और कुत्ता भी। उधर हरदास घोड़े पर सवार हो रामनगर जा पहुंचा। वहां उसने ठहरने के लिए घर की तलाश की। उसे एक बुढ़िया ने रहने के लिए जगह दे दी, घोड़े के ठहरने का प्रबंध भी किया और उसको देखभाल के लिए एक नौकर रख दिया। एक रात बीत गई। हरदास अस्तबल में गया और उसने घोड़े के लीद में कुछ रुपए मिला दिया और बुढ़िया से आकर बोला, मेरा घोड़ा रुपयों की लीद करता है। बुढ़िया को आश्चर्य हुआ तो हरदास ने कहा, चाहो तो जाकर देख लो। बुढ़िया अस्तबल में गई और देखा कि लीद में रुपए पड़े हुए हैं। बुढ़िया ने पूछा, रोज कितने रुपए मिल जाते हैं? हरदास ने कहा, रोज ही करीब 1000 रुपए यह घोड़ा लीद दे देता है। बुढ़िया को लालच आ गया। वह बोली, मैं तुम्हें इस घोड़े की मुंह मांगी कीमत दूंगी, यह घोड़ा मुझे दे दो। हरदास से ने पहले नानुकुर की, फिर 10,000 रुपए में घोड़े को बेचकर वह वहां से चला गया। इधर सुबह बुढ़िया ने अस्तबल में जाकर लीद देखी तो उसे वहां लीद के सिवा कुछ नहीं मिला। काफी देर तक उसने इंतजार किया पर उसे लीद में रुपए नहीं दिखे। बुढ़िया की समझ में आ गया कि वह परदेशी उसे ठग कर चला गया है। वह सिर पिटकर रोने लगी।
तो हरदास कैसा व्यक्ति था? ठगी व्यक्ति था। वह सबको इस तरह धोखा देता हुआ पैसा कमाता हुआ आगे बढ़ा। ठीक, आप लोग इतने पेज नंबर 40 तक पढ़ेंगे और उसमें से कठिन शब्दों को जैसे अस्तबल, आश्चर्य, प्रबंध, गुर्राकर, क्रोधित, तर्क संगत आदि कठिन शब्दों को अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय।